पे पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो एक बार एक व्यक्ति ने सोने की खान खरीदी दोस्तों, सोने की खान खरीदी और उसने एक महीने तक वो सोने की खान खुदवाई और उसमें लगभग काफ़ी समय व्यतीत भी हो गया और लाखों रुपये खर्च भी हो गए, लेकिन उस व्यक्ति को सोना नहीं मिला जिस मालिक ने वो सोने की खान ली थी। जब सोना नहीं मिला तो उसने वहीं के वहीं क्या करा, खुदाई रुकवा दी और निराशा में आन करके उस खान को किसी दूसरे मालिक के हाथों बेच दिया। दोस्तों होता क्या है, वो निराश में अवसाद में आ गया था, लेकिन जो दूसरा जो मालिक था वो बहुत समझदार था। उसने करा क्या, उसने जहाँ से खुदाई रुकवाई थी उसने वहीं से खुदाई चालू करवा दी। और गजब होता क्या है कि 1.5 मीटर की दूरी पर ही सोने का भंडार मिल गया। अब जैसे ही ये न्यूज में बात फैली कि 1.5 मीटर की खुदाई पर और सोने का भंडार मिला, तब उसके हालात क्या रहे होंगे जिसने ये खान बेची थी। दोस्तों याद रखिए, सफलता आपके साथ भी वही होता है, सफलता बस एक कदम दूर खड़ी होती है, लेकिन हम क्या होते हैं, निराशा होकर के और हम अपने जीवन से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम अपने कार्य से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों एक सागर में मोती पड़ा होता है, गोताखोर जब डुबकी लगाता है, बार बार डुबकी लगाता है, प्रयास करता है, 1-3 बार डुबकी मारने से ही क्या होता, तीसरी बार में स्पंज उठा करके ले आता। और काश वो मोती कह रहा, काश तूने एक डुबकी और लगाई होती तो मैं तेरे हाथ में होता, मैं तेरे इंतजार में खड़ा था कि काश ये गोताखोर एक और डुबकी लगाए तो मैं इसके हाथ में आ जाऊं। तो दोस्तों क्या पता सफलता आपके जस्ट एक कदम दूर खड़ी है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है जीवन में, क्योंकि निराशा और आशा में एक ही पॉइंट का अंदर है, एक पॉइंट का अंतर होता है दोस्तों निराशा और आशा में। तो अपने अंदर कभी भी निराशा मत आने दीजिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि आखिर तेरी रजा क्या है, आखिर तू चाहता क्या है, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, अगर कुछ खोना नहीं पड़ता तो आज हर घर में एक IAS ऑफिसर होता, आज हर घर में एक डिप्टी CM होता, आज हर घर में एक IPS अधिकारी होता, DM होता, हर घर में एक अधिकारी होता। दोस्तों यदि सफलता इतनी आसान होती, यदि सफलता मैंगो का यानी आम का फल होता, सफलता आम का फल होता तो हर कोई चूस लेता। दोस्तों ना तो ये आसान है और ना डिफिकल्ट है, दिस इज डिपेंड ऑन योर थॉट्स, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। तो आपको मानना नहीं है, ठानना है कि सफलता मेरे लिए है और मैं सफलता प्राप्त करके रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।